हेलो नमस्कार। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बचत क्या रहती है समान, तो हमें बताना है उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या कैसे करेंगे? देखिए, आय का कितना परसेंट बचाता है? 25%। इनकम उसकी अगर हम 100 माने तो सेविंग कितनी होगी? 25% इसकी, तो सेविंग कितनी होगी इसकी? 25। खर्चा कितना होगा? 100 कमाता है, 25 उसकी बचत है, तो खर्चा कितना करेगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 75। 75 उसने क्या कर दिया? खर्च। अब क्या बोल रहा है? आय में 20% की वृद्धि, इनकम में क्या हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। बचत क्या है? उसकी समान है, पहले 25 थी तो अभी भी क्या है? 25 ही है। तो यहाँ से नया एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो होगा 120 इनकम है, 25 उसकी बचत है, तो 95 क्या होगी? उसकी खर्चा होगा। बढ़ा कितना है खर्चा? देखे तो यहाँ से 75 से 95 20 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 75 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 25 थी 75 और यहाँ से 25 चौक 100, 80/3, 26 थी 78, 26.66 इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।